दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यू रिलीजिंग यानी कि 20 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म रूरल के दूसरे दिन तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ये वीडियो देखिएगा लास्ट तक जरूर। और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक लाइक से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, ये वीडियो आपको बताते चले। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है KS रवि कुमार, फिल्म के प्रोड्यूसर थे श्री कल्याण। दोस्तों मेन स्टार कास्ट में देखेंगे नंदमुरी बालम कृष्णम, साथ ही साथ वेदिका सोनली चौहान, भूमिका चावला और प्रकाश राज। दोस्तों इस फिल्म की जनरल की बात की जाए तो इस फिल्म में एक्शन की भरमार है और साथ ही साथ ड्रामा भी है। दोस्तों इस फिल्म में म्यूजिक दिया है नंदन भट्ट। अगर बात की जाए इस फिल्म की बजट के बारे में तो आपको बताते चले, इस फिल्म की बजट थी लगभग 25 करोड़ और इस फिल्म की प्रमोशन यानी कि प्रचार में खर्च किए गए थे 5 करोड़। टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं 30 करोड़। अगर बात की जाए इस फिल्म की इंडिया और ग्रॉस की स्क्रीनिंग के बारे में तो आपको बताते चले, इस फिल्म को इंडिया में स्क्रीन मिले थे लगभग 1100। वहीं अगर बात की जाए ग्रॉस की तो ग्रॉस में इस फिल्म को स्क्रीन मिले थे लगभग 200। टोटल इस फिल्म के स्क्रीन होते हैं 1300। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की अपनी राइट्स बेचकर ऑलरेडी पहले कितना रिकवरी कर ली। तो दोस्तों आपको बताते चले, इस फिल्म की सेट राइट्स बिके थे लगभग 10 करोड़ में। अगर बात की जाए डिजिटल राइट्स की तो इस फिल्म की डिजिटल राइट्स बिके थे 6 करोड़ में। अगर बात की जाए म्यूजिक राइट्स की तो म्यूजिक राइट्स बिके थे 4 करोड़ में। टोटल इस फिल्म ने ऑलरेडी पहले रिकवरी कर ली लगभग 20 करोड़ में अपने राइट्स बेचकर। दोस्तों अगर बात करें नंदमुरी बालम कृष्णम की पिछली फिल्मों के बारे में तो इनकी पिछली फिल्में लगातार फ्लॉप होने के कारण इस बार उन्होंने छोटे बजट में हाथ आजमाया है। दोस्तों अगर बात करें रूरल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आपको बताते चले, रूरल फर्स्ट डे पर इंडिया में कलेक्शन किया था 1,70,00,000 का, वहीं ग्रॉस कमाए थे 20,00,000। दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे दिन हल्का सा उछाल देखने को मिला, 2,30,00,000 का इंडिया में बिजनेस किया था। वहीं बात की जाए ग्रॉस कमाए थे लगभग 50,00,000। दोस्तों अगर इस फिल्म की कंटेंट और कहानी अगर अच्छी रही तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे कमाल कर सकती है। दोस्तों इस फिल्म की पब्लिक रिव्यू आ चुकी है, कुछ दर्शकों ने इसे ठीक ठाक बोला तो कुछ ने और सी रेटिंग दी है। दोस्तों ये फिल्म क्या लगता है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है? अगर आपको बताते चलें इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 40 करोड़ कमाने होंगे। दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें ज़रूर सब्सक्राइब।